वंदन करते विपुल प्रेम निधन सुजस विहार गुरु शिवत गुरु गोविंद हरिदास हरिदास जीवत है बिगरी लेन संहार मेरी कुंज विहार और मैं सोचन अपने अनंत जन्म की मैं तुमके स्वरूप छू मैं तेरी नागरी जान दी जो जगत में परिशुद्ध पद सुखदान चोर गिरे गिरागिरी कोई भल तू कुम्हारे तुम सुख आपने भूल छुड़ाओ लाड़ी समझ दो भर यह बात तिहारी नाथ है मेरी सजी मेरी लाल लाड़ी तो ही सब ही तिहारे हाँ हरिदास तू अवन तुमरे चरण कमल तुमरे चरण कमल श्री बिहारी जी महाराज स्वामी जी महाराज वृंदावन चंद युगी समस्ताचार्य गुरुदेव शरणारविंद जय जय श्री हरिदास। पूर्व प्रसंग में नारद जी का दृष्टांत सुना। नारद जी महाराज ने एक साहूकार पे अत्यंत कृपा करी, आखिरकार उसका कल्याण करके ही छोड़ा, कई जन्म लगे लेकिन उसका कल्याण और उसके परिवार का कल्याण उस धन के कारण, जिस धन को केवल जमा करके रखा था, बहुत धन था जमा करके रखा, नारद जी ने युक्ति सोच के और स्वयं उसके यहाँ पधारे और उस धन का सदुपयोग किया, संतों की सेवा में, गरीबों की सेवा में, असहायों की सेवा में उस धन को खर्च करके ठाकुर सेवा आदि, तो खर्च करके और परिवार सहित
उसका कल्याण किया। तो ये प्रसंग आप लोग कल श्रवण कर चुके हैं। आज आप जो है 109वें प्रसंग में श्रवण करोगे कि विवेकी नित्य वस्तु के स्वरूप में मगन रहे और वाही स्वरूप के विग्रह को बहुत प्रिय से प्रसन्न करे। जैसे काहू को मित्र स्वांग पलट के आवे, वाकों प्रसन्न कीजिए। वह मित्र बहुत प्रसन्न है के कहे, मेरे स्वांग रूपों प्रसन्न कियो, मेरो परम हितकारी है। और को कहे, मैं अपने मित्र को वाही स्वरूप सो सेवन करूंगो, वाकी स्वांग सो मोकू कहा प्रयोजन है। तो वह मित्र जाने या कि सांची लगन नाही। महाराज की धरी को ऐसो ही सब खेल, ये जितना भी दिख रहा है ये हरि का खेल है संसार के रूप में। और जो संत महापुरुष होते हैं, जो गुणातीत अवस्था को प्राप्त होते हैं, वो एक दृष्टा बन के इस खेल को देखते रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। हरि की किसी भी क्रिया में वो अप्रसन्न नहीं होते हैं। उनको विवेक होता है, ज्ञान होता है। औसर सब ही ठोर के राखे आप बनाए, बिहारी दास कृत दुख ही तो करता खसम जाए। तो सब कुछ जो भी विधान बना रखा है प्रभु ने, वो सब ठीक बना रखा है। तो अप्रसन्न हुए तो क्यों हुए? अब यहाँ महाराज कह रहे हैं कि विवेकी नित्य वस्तु के स्वरूप में मगन रहें। एक बात इसको समझना है कि हमारा जो नित्य स्वरूप है और नित्य वस्तु, हम नित्य स्वरूप के साथ कैसरी भाव के साथ और भ्यारी भ्यारिन की अखंड केली प्रायणता को चिंतन व्यवस्था के द्वारा अवलोकन करें। तो महाराज बोले, मगन रहे अपनी वस्तु में, प्रिया प्रीतम का सानिध्य, उनका संग बराबर विवेक पूर्ण करें हमेशा उसमें। क्योंकि नित्य सिद्ध महापुरुष हमारे आचार्य महानुभाव स्वामी जी, विशुद्ध जी महाराज, व्यारण देव जी, ललित किशोरी देव जी महाराज आदि आदि आचार्य महानुभाव श्रीधाम वृंदावन में वास करते हुए और वस्तु में मगन रहते अपने नित्य स्वरूप में। तो विवेकी को चाहिए महाराज, विवेकी के लिए तुम जितने भी सिद्धांत हैं ये विवेकी को ही समझाने के लिए हैं। जो नाना प्रकार के संसार में व्यस्त हैं बेचारे, उन पर फुर्सत ही नहीं है कहीं सानिध्य प्राप्त करने की, संतों के पास बैठने की। तो उनके लिए तो वही जाने उनकी बात तो विचार। लेकिन महाराज बोले, विवेकी नित्य वस्तु के स्वरूप में मगन रहे। प्रसन्न रहे, मगन रहे, चिंता नहीं करे किसी बात। और ये माने कि यही मेरा सत्य स्वरूप है। और यहाँ तो जब तक ये शरीर है, जो तन रहे तो प्रिया भजे, तन छूटे प्रिया संग, डूब आनंद रहे, निरखें केल। अब
जो शरीर है रिया जी का, स्वामी जी का भजन, और शरीर छूटेगा तो उनका अखंड संग मिलेगा। तन छूटे प्रिया संग तो दो विध आनंद, दोनों प्रकार से आनंद ही आनंद है। इसलिए प्रत्येक समय में आनंद में रहते हैं रसिकजन। दुख को डारने का, दुख तो बहुत दूर रहता है इनसे। अब आगे कह रहे हैं महाराज, वाही स्वरूप के विग्रह को बहुत प्रेसों प्रसन्न कर। जो हमारा नित्य वस्तु है, प्रिया प्रीतम को स्वरूप है, जो समझ में आयो है बड़े से गुरु जनते, तो वा स्वरूप के चिंतन में आनंद रहे, मगन रहे। अपना स्वरूप ऐसे स्वरूप विचार करते कराते, चिंतन कराते। अच्छा, हमारे इष्ट का जो स्वरूप है चिंतन में समझ में आया है, उसी स्वरूप के विग्रह को, और विग्रह को नहीं। जैसे हम बिहारी विहारिन के अनन्य हैं, तो बिहारी जी स्वामी जी के ही स्वरूप को प्रगट सेवा में प्रसन्न करे, प्रगट सेवा करते कराते उनको लाड़ लड़ावे, नए नए भोग रागनते, नई नई सेवा पोशाक भावते, ये प्रगट सेवा में भाव करे। और तीसरी बात, प्राणी मात्र में, प्राणी मात्र में भी अथवा संयोग बस काउ की सेवा बन पा रही है, जैसा भी जैसा संयोग है, सबके अंदर भी अपने इष्ट के दर्शन करे। काउ की कोई सेवा बन पा रही है तो ऐसे माने मेरे इष्ट और या के द्वारा मेरी सेवा ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा माने। जैसे काउ को मित्र स्वांग पलट के आवे वाको प्रसन्न कीजिए, वह मित्र बहुत प्रसन्न हुए के कहे मेरे स्वांगों को प्रसन्न किए। जैसे काउ को मित्र और कोई खेल खेल रहे हो है, और खेल में भेष बदल बदल के आ रहे हो है, लेकिन एक मित्र जो देख रहा है उसके खेल को बड़ा प्रसन्न हो रहा है, देखो मेरा मित्र कैसा भेष बदल बदल के मेरे को और दिखा रहा है, तो वो और प्रसन्न हो रहा है। अगर वो प्रसन्न नहीं होता है उसको देख के, तो वो जान लेता है कि मेरे से सच्ची प्रीत नहीं है। ऐसे ही ये सब खेल अपने इष्ट का ही माने। तो सब रूप जो भी संसार में देखने को मिल रहे हैं, हमको संग नहीं करना है, सेवन नहीं करना है, लेकिन एक व्यापक रूप से, एक व्यापक रूप से अपने इष्ट की ही सत्ता और अपने इष्ट को ही सबके अंदर माने। महाराज अब हूँ कासों बैर करों, ऐसे कहत पुकारे श्रीमुख, घट घट हो बिहर। तो ऐसी धारणा पे जब सबके अंदर इष्ट के ही दर्शन करते हैं और सब कुछ अपने इष्ट का किया हुआ ही मानते हैं, ऐसी परिपक्व धारणा जिनकी रहती है, तो इष्ट बहुत प्रसन्न होते हैं, अहंकार का नाश होता है। जो कुछ हमारी प्रिया जी, हमारे स्वामी जी, विहार जी कर रहे हैं, अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं, पहले भी अच्छा किया, आज भी अच्छा कर रहे हैं, आगे भी अच्छा करेंगे। और को कहे मैं अपने मित्र को वाही स्वरूप सो सेवन करूंगा, बाकी स्वांग सो मुकू का प्रयोजन,
महाराज के शब्द इसी प्रकार के, मोह जो है वाकई खेलते का मतलब है, कोई कहने लगे मैं तो वही स्वरूप को मानूंगा जो नित्य स्वरूप है, जो मेरे गुरुजन ने जो स्वरूप बताया है ऐसा स्वरूप जो चिंतन करते हैं, तो मैं मोह जो है और सवन के सेवनते का है, सबके अंदर देख लेते सबकी सेवा से। तो महाराज बोले इष्ट समझ लेते हैं कि या को सांचो भाव मेरे प्रति ना है, तो स्वरूप सो सेवन करूंगा, बाको स्वांग सो मुकु कहा प्रोजन, तो वह मित्र जाने या को सांचो भाव सांची लगन ना ही। बोलो यारी जो ऐसे महाराज ने यहां देखे था आपनो इष्ट धर्म गुरु था, देही को देखे नहीं जो देखे सो देह, तीन भांत है जात सो निष्ठाक्रमी थे। तो हमको देह नहीं देखनी है, हमको ये देखना है देह के अंदर कौन विराजमान। ये देह तो तीन रूप में परिवर्तित हो जाती है विष्टाक्रमी के, लेकिन इनके अंदर हृदय सुवर्णु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण प्रभूतानि यंत्रारुणी माया, जो हृदय के अंदर विराजमान है जो वस्तु जिसको संचालित कर रही है उस वस्तु का लक्ष्य वो हमारे इष्ट विराजमान है ऐसा भाव रख। ऐसा भाव दृढ़ रखने से वस्तु हस्तामल रहती है, साधक वस्तु से तनक मात्र भी अलग नहीं होता है, इष्ट की प्रसन्नता प्राप्त होती है, समता भाव उज्जवल होता है और पाप कर्म द्वेष भावना नहीं बन पाती है। जो समो अहम सर्वभूतेषु न मे विश्वस्ति न प्रिय भजन्ति तुमाम भक्त्या मैति तेषु चाप्यहम् आदि उदाहरणों के द्वारा पुष्टि करते हैं। तो दुख सब प्राणीन को दुसह है, आगे के प्रसंग में यानी 110वें प्रसंग में महाराज बोले दुसह जान दुख भव सारा भक्तन को इतना ही बिचारा, साधु एक रस रहे उलासा सुख और दुख के दृष्टा भाषा, लगे सीत जो अंग माही महादुख एक नैनन नाही, होए सुख है नैनन को भाई यह समझी अपचित लाई। महाराज बोले दुख सब प्राणिन को दुसह है, एक साधुन को नहीं, सभी प्राणियों को दुख जो है दुख प्रभावित करता है, दुख व्यापता है, लेकिन सभी प्राणियों के बीच में ये संत महापुरुष भी होते हैं विवेकी जन, उनको प्रभावित नहीं करता है, वो समान स्थिति में रहते हैं। संसारी लोग दुख आने पर रोते हैं, सुख आने पर बहुत फूले नहीं समाते हैं। तो दुख सब प्राणियों को दुसह है, एक साधुन को नहीं। कब साधक ने प्रश्न करो महाराज इसका कोई दृष्टांत, कि हाँ भैया दृष्टांत तो तेरे शरीर के साथ ही है, शरीर तेरा एक है पूरा, लेकिन देख साधु एक रस प्रसन्न रहे दुख सुख के दृष्टा हैं, संत लोग एक रस प्रसन्न रहते हैं हमेशा,
अपने इष्ट के चिंतन में रहते हैं, इष्ट के सानिध्य में रहते हैं, इसलिए प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि दुख और सुख केवल मन का विषय है और मन सौंप दिया है प्रभु के लिए तो फिर दुख काय का। तो साधु एक रस प्रसन्न रहे, दुख सुख की दृष्टा है। जैसे जाड़ो सब शरीर को दुसह है, दृष्टांत के बताया कि जैसे तुम्हारा शरीर है और जब जाड़ो लगे है, ठंडी लगे है, तो सब शरीर को व्यापे है और आंखें को एक नेत्रण को ना ही व्यापे, सब शरीर के लिए व्यापे है और नेत्रों को नहीं व्यापता है। उसी प्रकार नेत्र सदृश संत महापुरुषों को दुख नहीं व्यापते हैं, तो उन्होंने अपना मन जो दुख और सुख का कारण जो मन है, मन को सुख सागर स्वरूप बिहारी बिहारी के चरणार बिंदों में समर्पित कर दिया है। इसलिए सुख से प्रगाढ़ संबंध है मन का, तो मन सुख में डूब रहा है तो फिर दुख कहाँ। तो सब शरीर को दुख है, एक नेत्रण को ना है, इसी प्रकार सब प्राणियों को दुख व्याप्ता है और संत महापुरुषों को जो विवेकी हैं उनको नहीं व्यापता। बोलो बिहारी जो दुख को भोगते भागते भी अपने स्वरूप में स्थिर रहते हैं, ये नहीं कि शरीर में दुख नहीं आते हों, दुख साधुओं के पास भी आते हैं, लेकिन वो जो है उससे प्रभावित नहीं होते, अपने आप को दृढ़ रखते हैं। जैसे संसारी लोग प्रभावित होते हैं उस तरीके से वो व्याकुल नहीं होते। हरि जी महाराज की। आगे के प्रसंग में महाराज कहते हैं, साधु को आहार एक भजन को चाहिए और प्रसाद जो ठाकुर दें सो प्रसन्न बैठे पावे, जाने कि यही वस्तु के पाएवे को आज ठाकुर की इच्छा भई है, सोई अंगीकार करे, सोई मोको प्रसाद दियो, आज मेरी रसना सो बाको स्वाद लेते हैं। बोलो बिहारी जो तो साधु को आहार काय को भजन को चाहिए। कोई कहे कि भोजन प्रसाद नहीं पाना है कि हाँ पाना है, प्रसाद जो ठाकुर दें सहज वाकु प्रसन्न रह के पावे, और ये अपने मन में भाव रखे कि आज मेरे ठाकुर की, मेरे इष्ट की या ही वस्तु को पावे की इच्छा भई है, सोई अंगीकार करी, सोई मैंने स्वीकार करी, सोई मेरे ठाकुर ने स्वीकार करी, तो आज ठाकुर की इच्छा भई है, क्योंकि मेरे हृदय में विराजमान है, तो जो उनकी इच्छा भई है वही मेरी इच्छा मेरे लिए प्राप्त भयो है सहज, तो मेरे ठाकुर की इच्छा से भयो है, सोई मोह को प्रसाद दियो है, उन्होंने आज मेरी रसना सो, मेरी जिज्ञासु रसना यानी मेरी जिज्ञासु और मेरे इष्ट स्वाद ले रहे हैं। बोलो बिहारी जो ये भाव रख, या हे पाए वे की हर चाहा, भई होती मनियो अवगाहा,
करिए सोई अंगीकृत प्यारा, दियो सोई मूसी तु बिचारा। लेत स्वाद मूरस ना प्यारा, कहे कदाचित कोई बिचारा। हरिजो महाराज को कहे जो वस्तु ठाकुर को भोग लगत है, तामे के रंचक मात्र घटत नाही। 112 में सिद्धांत में कहते हैं कि जो ठाकुर को भोग लगे है वो घटत नाही, सो यह प्राकृत प्राणी भोजन करे तो घट जाए। जा वस्तु को वे भोजन करें सो कैसे घट जाए, सो तो बढ़े स्वाद विशेष रह जाए। भोग लगे को प्रमाण यह है कि स्वाद विशेष रह जाए, और बढ़वे को प्रमाण यह है जो पूर्ण हो। काहू ने प्रश्न करो कि ठाकुर को भोग लगावे हैं तो घटनो चाहिए कछु, ऐसा मालूम होना चाहिए कि हाँ भोग लग गयो, ठाकुर जी ने पा लियो, तो तामे से घटे तो है ना महाराज, या को क्या भाव घटना चाहिए। हमने प्रेम से भाव से भोग लगाया है ठाकुर को, तो आचार्य जन बोले कि अरे भैया, जो संसारी मायक प्राणी प्राकृत प्राणी अगर भोजन करता है तो उसमें से घटना स्वाभाविक है, लेकिन जब हरि भोजन करते हैं ठाकुर प्रसाद पाते हैं तो उसमें से घटेगा क्यों और बढ़ेगा। या वस्तु को भोजन करें सो कैसे घट जाए, सो तो बढ़े स्वाद विशेष रह जाए। ये प्रमाण देखने को मिलता है जब संत महापुरुष प्रेम से भाव से बड़ी पवित्रता के साथ और भोग लगाते हैं संत भक्त, तो और बढ़ता है। जितने मूर्तियों के लिए प्रसाद भोजन बनाया उतने से ज्यादा को हो जाता है, पूर्ति होती है। सो तो बढ़े स्वाद विशेष हो जाए, भोग लगे को प्रमाण यह है कि स्वाद विशेष हो जाए। भोग लगाए कि नहीं तो स्वाद विशेष हो जाता है भोग लगने के बाद, ये अनुभव की बात है सभी भक्त संतों। और बढ़वे को प्रमाण यह है कि बनाइए वस्तु चार मूर्तियों के लिए और है रही है ज्यादा के लिए, और पूर्ण होती है पूर्ति होती है, तो बढ़वे को प्रमाण यह है। बोलो बिहारी जी महाराज, तो या तरीके से भक्त को इष्ट प्रेमी को प्रत्येक क्रिया में और विवेक पूर्ण विचार पूर्ण और साधन में रत रहना चाहिए, ये महाराज का आशय है। गुरु बिहारी जी महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय। मन मेरे घर ले श्री कुंज बिहारी, मेरे भजिले श्री कुंज बिहार, सब सुख सागर अंग संग समुचारी, अंग संग मन वृंदावन
श्रृणार्वती देव।